ओके बुलाइए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंतानं। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धानं। नमो आयरियाणं, नमो आयरियानं। नमो उवज्जायाणं, नमो उवज्जायानं। नमो लोये सौवसाहुणं, नमो लोये सौवसाहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो। सौवपावक्पणासनो, सौवपावक्पणासनो। मंगलानं च संवेसीं, मंगलानं च संवेसीं। परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओ, हे सर्वे देवी देवात्माओ। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। चित की हाजरी में, चित की हाजरी में। सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे, और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, जय सच्चिदानंद संतोष जी, जय सच्चिदानंद। वो स्वपर प्रकाशक में चैप्टर 71 दीपक भाई। ध्यान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ है। ज्ञान, ध्यान, ध्यान, ज्ञान, ओके। और क्रिया पिछले अवतार का पुरुषार्थ है उसका। ओके, उसके ऊपर थोड़ा। ओके, मिल गया है। ज्ञान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ है और क्रिया पिछले अवतार का पुरुषार्थ है। हाँ। ये जो ध्यान की बात बताई है ना दादा भगवान ने, वो आज तक किसी ने बताया नहीं ध्यान के विषय में। ओके। सब लोग एकाग्रता को ही ध्यान मानते हैं। हाँ। और ध्यान यानी चार प्रकार के ध्यान दादा भगवान ने बताए। Okay. पहला अर्थ ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। yeah. अभी ये ध्यान जो है, तो दादा भगवान ने बताया कि ये पंचम काल है ना, तो उसके अंदर पहले और दूसरे ध्यान में ही सब लोग अटके हुए हैं। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान okay. ये दोनों में ही अटके हुए है। तो अर्थ ध्यान यानी क्या बताया दादा भगवान ने, तो कि जो खुद की शरीर को, खुद के जात को यानी खुद के शरीर को पीड़ा देते हैं, उसको अर्थ ध्यान बोला। okay. और सबसे बड़ा अर्थ ध्यान दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि चिंता करते हैं, हाँ, उसको सबसे बड़ा अर्थ ध्यान बताया दादा भगवान। ओके okay. तो
तो वो क्यों ऐसा बताया? चिंता तो चिंता चिंता होती है अब कभी कभी ना नहीं। तो क्या दादा भगवान ने बताया जिसको भी ये भेद विज्ञान प्राप्त हुआ, दृष्टि प्राप्त हुई, उसको चिंता नहीं होती है। ओके। तो इसलिए दादा भगवान ने एक और बात बताई थी कि अगर ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद, मैं शुद्धात्माओं का लक्ष्य होने के बाद अगर किसी को भी चिंता होती है तो मेरे पर 1,00,000 रुपए का केस करना। अच्छा, ये दादा भगवान ने बताया क्योंकि उसके पीछे बहुत साइंटिफिक बात है। तो पहले ये 4 ध्यान समझ लेते हैं। ये आर्त ध्यान यानी चिंता होना, खुद की जात को पीड़ा देना, कष्ट देना, तो उसको आर्त ध्यान बोला गया। और दादा भगवान ने बताया और शास्त्र में लिखा है आर्त ध्यान का परिणाम क्या है, तो के तिर्यंच गति। तिर्यंच जो पशु पंखी झाड़ वो सब है, वो तिर्यंच गति में आते हैं। ओके। तो वो तिर्यंच गति जितनी खुद की जात को पीड़ा देंगे, जितनी चिंता करेंगे, उस हिसाब से उसको गति मिलेगी। अच्छा। तो क्या अभी इस काल में ये अपने को अपना पुण्य ही समझो, दादा भगवान हमें मिल गए तो हमारा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अटक गए। अच्छा। नहीं तो पूरा अभी कैसा है, तो सब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही चलते हैं। या तो किसी ना किसी बात की चिंता में जी रहे, या किसी के ले लेना है, किसी के पास से छीन लेना है, उसके अंदर जी रहे। तो के ध्यान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ है, यानी कुछ भी होता है। अभी समझो दादा भगवान ने एग्जाम्पल काफी बार दिया अपने को। जब 5 आज्ञा समझाते हैं तब अपने को ये एग्जाम्पल दादा भगवान देते थे कि अगर हम रास्ते से चलते चलते जा रहे हैं, जेब के अंदर पैसा है और जेब कट गई तो क्या होगा? We feel sad. तो क्या दादा भगवान ने समझाया कि ये जेब किसने काटी, जेब काटने के लिए किसने भेजा? व्यवस्थित शक्ति ने। तो कि व्यवस्थित शक्ति वहां पे अप्लाई हो गया, वो समझ अप्लाई हो गई तो चिंता चली गई। नहीं तो चिंता रहती, अभी वो लेने के लिए आएगा तो उसको क्या देंगे, अभी पूरा महीना, अभी सैलरी लेके जा रहे थे, सैलरी पूरी कट गई तो पूरा महीना घर कैसे चलेगा, बच्चे की फी कैसे देंगे, ये कैसे, तो वो सब अंदर चलेगा, वो चिंता अंदर चलती रहेगी। लेकिन अभी अपने को ये आज्ञा मिल गई कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, हमारे जेब किसने काटा तो व्यवस्थित शक्ति ने, तो आगे कौन चलाएगा, तो सब व्यवस्थित शक्ति चला लेगी, तो वो सारी चिंता चली गई। तो ये जो ध्यान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ है, तो क्या अभी ये क्रिया, ये भुगतान तो आ गया हमारा, तो क्या आगे क्या बताया? क्रिया पिछले अवतार का पुरुषार्थ है। हाँ, तो ये पिछले अवतार में हमने कहीं किसी के साथ गलत किया, किसी की जेब काटी थी, तो आज हमारी जेब कटी, यानी ये क्रिया हुआ वो पिछले अवतार का था। ओके। तो तभी आज अपने कटी, लेकिन ये जब जेब कटी और हमें आज्ञा, दादा भगवान की आज्ञा याद आ गई, समझ में आ गई कि व्यवस्थित शक्ति, तो ये ध्यान है, ये ध्यान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ, तो के अंदर पूरा ध्यान बदल गया। नहीं तो वो अगर हमें दृष्टि प्राप्त नहीं हुई होती तो आर्त ध्यान में चले गए होते या तो रौद्र ध्यान में चले गए होते जी। लेकिन अभी दृष्टि प्राप्त हो गई तो हम धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में आ गए। ओके। समझ में आया? इसलिए ध्यान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ है, यानी कि अभी जो अवतार आएगा उसका पुरुषार्थ है। अभी ये व्यवस्थित शक्ति की समझ में आ गई तो अंदर शुक्ल ध्यान और बाहर धर्म ध्यान रह गया, यानी क्या हुआ? तो के आने वाले
अवतार का पुरुषार्थ क्या हुआ, पुरुषार्थ क्या हुआ, तो क्या चौथे आर्य में जाने की, चौथे आर्य में जाने का यानी सिमंदर स्वामी के पास जाने का परमाणु अंदर आ गए। अच्छा, तो अभी दूसरा ध्यान बताया दादा भगवान ने, रौद्र ध्यान। वो रौद्र ध्यान क्या है, तो के किसी की भी चीज ले लेना, ऐसी भावना होना, उसको रौद्र ध्यान बोला गया। यानी दादा भगवान ने बताया अनहक की चीज, जो अपने हक की चीज नहीं है, उसको उसको छीनने का जो भाव अंदर रहता है, उसको रौद्र ध्यान बोला गया। और रौद्र ध्यान का परिणाम दादा भगवान ने नरक गति बताया। ओके। और शास्त्र में लिखा है कि रौद्र ध्यान का जो गति है वो नरक गति है, क्योंकि ये ध्यान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ है। यानी रौद्र ध्यान का पुरुषार्थ हुआ तो नरक गति, आर्त ध्यान का पुरुषार्थ हुआ तो तिर्यंज गति, तिर्यंज गति। फिर तीसरा बताया धर्म ध्यान। तो के दादा भगवान ने बताया आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होने देना, उसको धर्म ध्यान बोला गया। वो जब ऐसे अंदर भाव खड़े होते, ऐसे विचार खड़े होते, उसको टक करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमें दादा भगवान मिले, मेरे को तो मेरे प्राप्त मन वचन का है ऐसे किसी भी जीव को दुख ना हो, ऐसी अंदर भावना रहती है, तो वो जो ध्यान रहता है उसको धर्म ध्यान बोला गया। तो के अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान की जगह आज्ञा अप्लाई हुई, दादा भगवान से हमें जो समझ प्राप्त हुई वो अप्लाई हुई, यानी वो धर्म ध्यान हो गया जी। तो वो धर्म ध्यान हुआ तो उसमें दादा भगवान ने बताया, क्योंकि धर्म ध्यान अपनी खुद की चीज भी अगर किसी को देते हैं तो वो सुपर ह्यूमन जैसे कार्य हुए तो देव गति मिलेगी। अच्छा हाँ। और थोड़े अर्थ ध्यान, थोड़े रौद्र ध्यान और ज्यादा धर्म ध्यान हुआ तो मनुष्य गति में रहेंगे। हाँ। और जो शुक्ल ध्यान चौथा ध्यान की बात बताई, वो शुक्ल ध्यान का परिणाम है मोक्ष सिद्ध गति। तो क्या अभी अभी सभी महात्माओं की दशा क्या है, तो कोई बाहर के भाग में धर्म ध्यान है और अंदर के भाग में शुक्ल ध्यान है, इसलिए दादा भगवान ने बताया ये मोक्ष का अनुभव हम यहीं पे आपको करवाते हैं। मरने के बाद सिद्ध गति मोक्ष का अनुभव किसी के पास नहीं है, वो तो जब जाएंगे और वहां पे जो हुए वो अनुभव करते हैं। लेकिन अभी हमें तो क्या, हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त करवा के अंदर मुक्त का अनुभव करवा दिया। अच्छा। तो ये समय पूरा हमारा जो जीवन जी रहे हैं वो पिछले अवतार का पुरुषार्थ के आधार पर सभी संजोग इकट्ठा होते हैं, और वो जो संजोग इकट्ठा होते हैं और उसके अंदर आज्ञा दृष्टि से हम जीते हैं, तो उसको पिछले अवतार का आने वाले अवतार का पुरुषार्थ बोला गया। इसलिए दादा भगवान ने बताया अभी आज्ञा दृष्टि से जैसे जैसे जीते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो अवतार आने वाला है वो ऐसा उत्तम आएगा कि तीर्थंकर भगवान के दर्शन होंगे और उनके दर्शन से हमें मोक्ष का सिक्का लग जाएगा जी। तो कि ये पूरा जगत अभी यहाँ पे अटका हुआ है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध में अटका हुआ है। पूरा जगत क्रिया को ही पुरुषार्थ मानता है। और दादा भगवान ने बताया जो पंचेंद्रिय पांच इंद्रिय से जो भी अनुभव में आता है उसको प्रारब्ध बोला गया। वहां पे कोई भी जगह पुरुषार्थ नहीं है। दूसरी तरह से दादा भगवान ने बताया किसी भी क्रिया में संजोग की जरूरत पड़ी वो संजोग की जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे प्रारब्ध है, वहां पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ पूरा स्वतंत्र भाग है। अच्छा। और एक बार बोलिए किसी भी, और एक बार बोलिए किसी भी संजोग इकट्ठा होके जो भी क्रिया होती है वहां पे प्रारब्ध है। अच्छा।
और पुरुषार्थ स्वतंत्र है, वहां पे किसी भी संयोग की जरूरत नहीं है। हाँ। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, तो बाहर का भाग क्या है, संयोग क्या है, तो क्या सत्संग में बैठने का? सत्संग में बैठने का। हाँ, तो ये पिछले अवतार का प्रारब्ध है। ओके। कि हमें सत्संग मिला, और उसके साथ में अंदर अभी क्या चलता है, तो वो हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा, उसके ऊपर ध्यान रखने का। हाँ, अंदर क्या हो रहा है उसके। हाँ, और आगे दादा भगवान ने बताया कि ध्यान जो है वो परिणाम है, वो करने वाली चीज नहीं है। अच्छा, वो भी ध्यान परिणाम है। हाँ, जैसी हमारी समझ पक्की, वैसा अंदर ध्यान परिणाम में आए रहेगा। ओके। हमें आज्ञा दृष्टि पक्की होती जाएगी। हाँ। वैसे वैसे हमारा अंदर जो ध्यान है वो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान परिणाम के स्वरूप में रहेगा। इसलिए बोला कि ध्यान करने का नहीं होता, वक्त तो अपने आप होता है। हाँ, हो जाता है। वो ध्यान करने का नहीं होता है, वो अपने आप होता है, वो समझ का परिणाम है। जितनी आज्ञा संबंधी समझ पक्की, जितनी मोक्ष संबंधी समझ पक्की, जितना हमारा हित कहाँ पे है वो समझ पक्की, उतना अंदर ध्यान बदलता रहेगा। अच्छा, सो समझ ठीक होना चाहिए। समझ पक्की हो गई तो हमारा ध्यान शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान होता जाएगा। अच्छा, उसका अनुभव भी होता जाएगा। हाँ। एक संयोग में अपने को अनुभव रहेगा कि ये धर्म ध्यान हुआ और हम शुक्ल ध्यान में स्थिर है। अच्छा जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जो पूरी बात है ना, हाँ। वो कर्म के सिद्धांत की भी बात है उसके अंदर, जो आज तक सब लोग वहां पे अटके हुए हैं। अच्छा, सब प्रारब्ध को पुरुषार्थ मान के चल रहे हैं। म्यूटेड दीपक भाई, आप या म्यूटेड। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक एक बुक्का है, इसका दादाजी कहते हैं कि ऐसा शुद्ध उपयोग घंटे भर यदि रखें तो उसे इंद्र का अवतार मिले, इतनी अमूल्य वस्तु है ये, पुण्य शावक जैसा अमूल्य सामायिक है ये। मतलब समझे आप? हेलो हेलो। हाँ जी, समझे कुछ? हाँ, ये घंटा हमारा कंटिन्यू है या 10-10 मिनट कभी हम चूक जाते हैं? तो के ये जो बात बताई ना दादा भगवान ने, तो के हमें जो प्राप्त हुआ है उसकी कीमत क्या है वो समझाने के लिए बात बताई। अच्छा, हमें जो ये वेद विज्ञ वेद दृष्टि प्राप्त हुई, शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ, तो के वो क्या हमें मिला है उसकी कीमत समझाने के लिए बात की। और जो पुण्य श्रावक की बात है, तो के उसकी जो सामायिक की कीमत थी ना, तो दादा भगवान बताते थे कि क्षणिक महाराजा को नरक का बंध पड़ा हुआ था, नरक गति में जाने का था, तो उन्होंने भगवान से विनती की कि भगवान ये आप तो सर्वज्ञ हो, तो मेरा ये नरक का बंध जो है वो तोड़ दो आप। तो तब उन्होंने बताया था, वो चार बात बताई थी, इसमें एक बात थी पुण्य श्रावक की। तो कि अगर आप पुण्य श्रावक का एक सामायिक भी आप लेके आओगे तो आपका नरक का बंध टूट जाएगा। इसलिए श्रेणिक महाराजा पुण्य श्रावक के पास जाते हैं और उनको विनती करते हैं कि आपकी
सामायिक जो है, एक सामायिक हमें दे दीजिए तो हमारा ये जो नरक का बंध है वो टूट जाएगा, आपको उसकी जो कीमत चाहिए वो हम दे देंगे। तो पुण्य श्रावक जी ने बताया कि इसकी कीमत तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर भगवान ने भेजा है तो हम भगवान से ही मिलके बात कर लेते हैं। तब जाके वो दोनों भगवान से मिलते हैं, महावीर भगवान से, और बात करते हैं कि ये देने के लिए तैयार है लेकिन इसकी कीमत क्या चुकाऊं। तब भगवान बताते हैं कि आपका पूरा राजपाट है वो इसकी सिर्फ दलाली में जाएगा। तो जो जो हम हमें जो अभी सामायिक मिली है और जिस सामायिक से हमें शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई है उसकी क्या वैल्यू है वो समझा रहे दादा भगवान। तो के जो महावीर भगवान जो वर्तमान को देख देख के अंदर केवल ज्ञान खुला हुआ, एक पुद्गल को ही देख के जो अंदर केवल ज्ञान खुला हुआ, वही दशा वही सामायिक हमें दी है, हमें उस पुरुषार्थ में लग जाने का है। अच्छा हाँ, तो के उसकी कीमत इतनी है वो समझाने के लिए बताया वो दादा भगवान ने कि हमने आपको क्या दिया है वो समझो आप। अच्छा, वैल्यू। इसलिए दादा भगवान कभी कभी बताते थे कि बच्चों के हाथ में डायमंड दिया हुआ है, कोई चॉकलेट दिखाएगा ना तो वो चॉकलेट ले लेगा और डायमंड दे देगा। अच्छा, तो ऐसा वो इसलिए बताते थे कि बाहर के संजोग के भीड़, संजोग का भीड़ा ऐसा आता है तो अंदर हम शुद्धात्मा पद जो है वो प्रतीति में बैठा है, लक्ष अनुभव बाकी है। तो दादा भगवान बताते थे कि वो पूरा ऐसे हो जाता है, लेकिन बाद में जैसे संजोग के बादल छटते हैं तुरंत वो अपनी दशा में आ जाता है कि नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये जिसको हुआ वो मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, तो हम जो बाद में आते हैं वो हमारा कमी है। हाँ, वो कृपा से मिला है ना साहब हमें। हाँ, नहीं तो दादा भगवान बताते थे अगर चौथा आ रहा होता और ये हम सामायिक करवाते तो उसको वो सामायिक खत्म होते ही केवल ज्ञान हो जाता। अच्छा। लेकिन ये चौथ पंचम आ रहा है इसलिए कृपा से मिल रहा है सबको, इसलिए केवल ज्ञान खुला नहीं हो रहा है। अच्छा, इसलिए हमें केवल ज्ञान खुला करने के लिए आज्ञा दृष्टि दी कि अभी आप आज्ञा दृष्टि से जीते जाओगे वैसे वैसे केवल ज्ञान खुला होता जाएगा। हाँ, ये कचास काफी रहती है इधर। हाँ, वो ही पुरुषार्थ है ना, लेकिन वो पुरुषार्थ वो कचास क्यों रहती है कि अनंत अवतार से हमने हमारी कीमत की है, पुद्गल की कीमत की है, आत्मा की कंपनी कीमत की नहीं है। हमने पुद्गल की वैल्यूएशन आकी है लेकिन आत्मा की वैल्यूएशन कभी आकी नहीं। इसलिए अभी जो हमें मिला है उसके पीछे दादा भगवान को आज्ञा दृष्टि देनी पड़ी और प्रज्ञा शक्ति जागृत करनी पड़ी कि भाई नहीं तो ये हीरा है ना वो चॉकलेट ले लेंगे और हीरा दे देंगे। इसलिए प्रज्ञा शक्ति अंदर जागृत करवा दी दादा भगवान ने, ये प्रज्ञा शक्ति है ना वो हीरा को देने डायमंड को देने नहीं देगी। अच्छा, ऐसा है। और क्या पुरुषार्थ करें? और पुरुषार्थ के लिए तो बहुत कुछ दिया दादा भगवान ने, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग। जैसे कभी घूमने निकलते हैं याद ही नहीं रहता शुद्धात्मा देखने का। हाँ, तो वो दादा भगवान बताते थे कि अगर हम घर में बैठ के पहले तो जो संजोग है उसकी बात करते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो कि दादा भगवान को प्रार्थना करके निकलने का कि फाइल कुछ भी काम है तो कि ये फाइल है, फाइल का निपटारा करने के लिए जा रहा हूँ, दादा भगवान आप ये फाइलों का संभव से निकाल हो ऐसी शक्ति दे, और जो जो भी रास्ते में या कहीं पर भी जो मिले तो आज्ञा दृष्टि रिलेटिव रियल भी देखने की आप शक्ति दो, व्यवस्थित शक्ति में जो भी आए वो जैसा भी आए उसको एक्सेप्ट करने की आप हमें शक्ति दे। तो कि दादा भगवान को प्रार्थना करके निकलने का, कहीं पर भी जाते हैं
तो प्रार्थना करके निकलने का, दादा भगवान को सौंप देने का, कहने का मतलब। अच्छा। तो क्या ऐसे 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 हम शक्ति मांगते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। छोटे बच्चे छोटे थे तब हमें टीचर क्या ए ए तो ए ए करके उसके ऊपर रिपीटेशन करवाते थे ना। हाँ। तो वैसे हमें अंदर ये हमें फाइल नंबर एक के पास रिपीटेशन करवाना है पूरा। कि अभी आज्ञा दृष्टि से जीना है, आज्ञा दृष्टि से जीना है, आज्ञा दृष्टि से जीना है, वो शक्ति मांगना है। तो कि वो हमें पूरे हमारे पूरे दिन के अंदर उसको एडजस्ट करके उसको परो देना है। जब भी समय मिले, जब भी समय मिले दादा भगवान को प्रार्थना करके हमारे अंदर जो जो शक्ति कम है, हमें लगता है कि ये इसकी पुरुषार्थ करना है हमें लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वो शक्ति मांगने का। तब जाके उसकी उसकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए दादा भगवान दूसरी तरह से बताते थे कि बॉर्डर पर अगर दुश्मन का सैन्य खड़ा है तो हमें हमको सो जाने का कि जगने का, जगने का और जगने जागते रहने के साथ क्या हमारा भी सैन्य बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो कि ये शक्ति मांगते रहेंगे, ये सामायिक शक्ति मांगते रहेंगे, प्रतिक्रमण होता रहेगा तो हमारा सैन्य बढ़ता रहेगा। अभी तो उनका सैन्य इतना बड़ा हुआ है तो पूरा दिन देखे ना तो मन के हिसाब से हम चलते हैं। अच्छा। मन के हिसाब से चलते हैं हम, प्रज्ञा के अधीन नहीं चल रहे, मन के हिसाब से चल रहे अभी तो। तो वो मन के हिसाब से चलते हैं तो समझ लेने का कि उनके सैन्य का बल ज्यादा है। तो फिर वो उसके उसका प्रयोग रखना पड़े, प्रयोग की गोठवणी करनी पड़े, तब जाके वो सब सेटल होगा धीरे धीरे धीरे। वो एक एक समय से लेके एक घुंठाने तक पहुंचेगा फिर। ऐसा है। लेकिन दादा भगवान बताते थे कि एक 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 संजोग में उपयोग हाजिर रहा तो वो उसका दुगनी शक्ति, उससे दुगनी शक्ति खिल जाएगी। दो संजोग में रहा तो चार गुनी शक्ति बढ़ जाएगी, तो वो मल्टीप्लीकेशन में शक्ति बढ़ेगी। अच्छा। ऐसा है। तो वो सामायिक की कीमत समझाने के लिए दादा भगवान ने बताया था कि उसकी कीमत क्या है, क्योंकि उसका फल ये उसका फल ये मिलेगा आपको। ऐसा है। अच्छा। बराबर। तो क्या है कि बाहर निकल जाए ना तो कमी रह जाती। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार आप क्या बता रहे थे, बाहर जाए तो वो कमी रह जाती है शुद्धात्मा देखने की। बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो कभी कभी जैसे कमी रह जाती है। प्रिया बेन में दिखता है ना शुद्धात्मा। हाँ, अब दिखने लगा। पहले शुरू में जब ज्ञान लिया ना तब नहीं दिखता था काफी टाइम। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी कहाँ गए? पृथ्वीराज रेडी? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, आज सुबह आप सूत्र आए थे, आप सूत्र 2341। जगत में पड़त तो जगत आश्चर्य पामता।
जय चित्तानंद संतोष आनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय से। इसका एक का जो बाल, बाल मतलब बाल ही हुआ नहीं? हाँ बाल ही हुआ, उसी की बात है। क्या मतलब बेटा, यार एक लो मोटो सो मोटो से के जो इनो एक बाल आ जगत में पड़त तो जगत आश्चर्य पामता। तो के ये जो वितराग विज्ञान है ना, उसके उसके क्या वैल्यू है, वो क्या है, वो समझाने के लिए बताया। बराबर, ये वितराग विज्ञान है उसका, उस वो बाल बाल जितना भी अगर आ जाता ना समझ में, तो भी काम हो जाता। इसलिए दादा भगवान के बारे में कविराज ने लिखा है, जेना एक जवाड़नी टोचे भी राजा, दुनिया भर ना शास्त्रो छे, आनिय मन चक्र नो ध्रुव काटो, भगवान अमारो दादो छे। दादा भगवान के विषय में कविराज ने लिखा है ये, कि उनकी बाल की टोच टोच ऊपर कर, उसके ऊपर दुनिया भर के जितने भी शास्त्र है वो विराजमान हो गए। ऐसे हमारे दादा भगवान है। हमें जो पुरुष मिले हैं ना, ओहो क्या बात बताए कविराज ने, ऐसा लिखा है कि जिसकी बाल की टोच पर दुनिया भर के सभी शास्त्र विराजमान हुए हैं, उनके वो पुरुष के अंदर क्या होगा। दादा भगवान बताते थे कि कोई पूछने वाला ही नहीं मिला है अभी तो, इतना भी ज्ञान हमारे अंदर से बाहर नहीं आया। बराबर, बाल के टूट जितना भी बाहर नहीं आया, पूछने वाले ही नहीं मिले ऐसे। तो कि ये जो विज्ञान है वो क्या है, उसके बारे में वो बताया है। वो हमारे हमारे पुरुषार्थ के लिए उसको थर्मोमीटर बनाना है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के। हाँ अभी हमें कहाँ तक पहुंचना है। बराबर, वो मोटिवेशन के लिए बात है। हाँ, के लिए बात नहीं है, मोटिवेशन के लिए बात है। क्योंकि जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि पक्की होती जाएगी, वैसे वैसे जैसे दादा भगवान के अंदर थी, दादा भगवान स्वरूप था, वो हमारे अंदर खुला होता जाएगा। और ये जो हमें मिला है उसकी वैल्यू हमें समझ में आएगी कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। एक और था पूछू? हाँ जी, हाँ। और टू टू थ्री फोर थ्री इसमें ही है, एकांते मोक्ष न थाए, एकांते मोक्ष न थाए, एकांते धर्म थाए, पर धर्मासार प्राप्त न थाए, अच्छा प्राप्त न थाए, वो थोड़ा समझा नहीं। धर्म सार यानी कि उसका जो धर्म का जो सारांश होता है ना, हाँ उसकी बात किया है। नहीं, एकांत में धर्म थाए पर धर्माचार प्राप्त न थाए, धर्म सार प्राप्त न थाए के थाए एवं लखेलू छे, प्राप्त न थाए, प्राप्त न थाए, एकांत धर्म धर्म थाए, ओके ओके, धर्माचार प्राप्त न थाए, ओके ओके ओके। એટલે વો કહેના ક્યા ચાહતે હૈ તો કે એકાંત સે મોક્ષ પ્રાપ્ત નહીં હોતા હૈ, ધર્મ હોતા હૈ એકાંત મે, તો યે જો જગત કે અંદર અભી જો ચલ રહા હૈ ના, તો ઉસકે બારે મે બતાયા દાદા ભગવાન કે એકાંત મે ધર્મ પ્રાપ્ત હો સકતે, ધર્મ હો સકતા હૈ, ધર્મ હો સકતા હૈ, યાની ક્રિયા જો હૈ વૈસે વૈસે ધર્મ કી યે જો બાત હૈ। तो के वैसे धर्म किसको बोला गया दादा भगवान ने बताया, तो के पंचेंद्रियों का धर्म को धर्म बोला है दादा भगवान ने, पंचेंद्रियों को, हाँ पांच इंद्रियों को, हाँ। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस में जो बात होगी वो कैसे है, तो के अभी लौकिक धर्म जो चलते हैं ना उसकी बात होगी। तो के धर्म धर्म हो सकता है लेकिन उसका सार नहीं मिल सकता एकांत में। वो सारांश तो ज्ञानी पुरुष मिले, लोगों के साथ संपर्क में रहे
और सब अनुभव प्राप्त हो तब जाके उसका सार मिलता है। उसका सार, हाँ वो अनुभव के आधार पर सार मिलता है। तो वो तो वो अगर आप आपके आपके घर के अंदर हो तो घर के अंदर तीन चार व्यक्ति है तो कब किसी ना किसी के साथ घर्षण होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है, है। तो होने के बाद क्या अंदर होता है? वापस पश्चाताप होता है। तो मंथन होता है, पहले मंथन होता है कि मेरे को ही क्यों ऐसा बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार हुआ। मंथन होते 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 फिर उसमें से सार निकलता है कि हमारा ऋणानुबंध है और कुदरत ने व्यवस्थित शक्ति ने हमें इनके साथ हमारा ऋणानुबंध खत्म करने के लिए इकट्ठा किया है, तो अभी ये पूरा ऋणानुबंध चुका दो। बराबर है। तो वो सार निकलता है, सार निकलना चाहिए। जैसे जैसे जिस संजोग में सार निकल गया फिर वो गलती कभी नहीं होगी। उसको दादा भगवान ने दूसरी तरह से बताया तो कि परिणामिक दृष्टि यानी हाँ परिणामिक दृष्टि यानी परिणाम दिखता है इस साथ में कि अगर ये 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 संजोग आया है उसके अंदर ऐसा डीलिंग करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा आएगा। तो कि ये मोक्ष के लिए बात है, संसार में तो हमें नफाकोट दिखता ही है, मोक्ष में भी बात है। हाँ संसार में तो हमें दिखता ही है, तुरंत दिखता है संसार में तो कि ये मेरा ले जाएगा तो इतना नुकसान होगा, इसको ये रेट से देंगे तो इतना फायदा होगा, संसार में तो तुरंत परिणाम दिखता है। लेकिन जब जब सिद्ध गति की मोक्ष की बात आती है, खुद के हित की बात आती है, तब ये नहीं दिखता है क्योंकि अनंत अवतार से संसार में ही घूम रहे और संसार को ही सब कुछ माना हुआ है, उसकी वैल्यूएशन की है, तो उसके बारे में तुरंत परिणाम दिखता है। लेकिन मोक्ष के हमें मोक्ष में जाना है, हमें आत्मा की ओर जाना है, तो वहां पे परिणाम डल हो जाते हैं। वहां पे अगर सार निकलता गया, ऋण अनुबंध है, ये आज्ञा दृष्टि फिट होती गई तो अपने आप काम बनता जाएगा। एक और था, हाँ जी, जैसे मेरे को ज्ञान लिया हुआ है तो भी कभी कभी ऐसा कोई ऐसा मैटर आता है उसमें चिंता हो जाती है, फिर अपने को मालूम पड़ता है अरे यार मैं तो चिंता करने वाला ये मैं तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ चेतन हूँ, तो उसमें भी क्या वो आत्म ध्यान आता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता, नहीं नहीं आता है। दादा भगवान ने बताया मैं शुद्धात्मा हूँ, प्राप्त होने के बाद चिंता होती ही नहीं है, और आपने जैसे बताया कि तुरंत अंदर आ जाता है कि वो भाग किसका है, वो पृथ्वीराज का है। हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, तो क्या शुद्धात्मा को कभी चिंता होती नहीं है? हाँ तो आत्म ध्यान नहीं आता नहीं? हाँ आर्त ध्यान रुद्र ध्यान बंद हो गए अभी महात्माओं के, लेकिन ये जो भाग है वो पिछले अवतार का जो पड़गा है तो वहां पे हमें आज्ञा दृष्टि हाजिर नहीं रहती है, तो उतना अपने को स्वभाव का जो स्वाद आना चाहिए, उसका जो सुख का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। नहीं होता है, बराबर। हाँ बस उतना ही है, इसलिए दूसरा दादा भगवान ने बताया तो वो सफोकेशन जैसा लगता है हमें उतने टाइम में, क्योंकि हम हाजिर है लेकिन बादल आ गए उसके ऊपर, गलती का बादल आ गया। अभी गलती का बादल छिटकेगा नहीं तब तक उसका अनुभव वापस आएगा नहीं, ऐसा है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सब भी कौन आएगा? तृप्ता बहन है ना, आपको पूछ रहे थे ना? हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, हम ये देख पढ़ रहे थे जो आता है ना डेली कैलेंडर में, सुबह पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है सत्य यह सापेक्ष है,
पर जो सत्य है वह निरपेक्ष है, उसे कोई भी अपेक्षा लागू नहीं होती। सब ये वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं आता है और कुछ समझा दीजिए। ये जो सत्य और सत की बात बताई, हाँ जी, सत्य वो सापेक्ष होता है, यानी क्या होता है, यानी क्या है तो के सबका जो व्यवहार में सत्य किसको बोला गया, तो के झूठ झूठ नहीं बोलना उसको सत्य बोला गया ना, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, तो दादा भगवान ने एग्जांपल देते थे कि रात के 12 बजे है और कोई लड़की भटक गई है और उसके पीछे तीन चार लोग गुंडे जैसे लोग पीछे पड़े हैं और आप भी वहां से जा रहे हो और वो कहीं छुप गई वो लड़की, और उन्होंने आपको पूछा कि वो आपने किसी को देखा, तो क्या जवाब दोगे? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसको बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि वो ही ठीक है ना, नहीं तो वो उसको कष्ट देंगे। हाँ, तो वो क्या हमारी समझ में आ गया है कि ये लोग ऐसे तो उसके पीछे पड़े नहीं है, उसको नुकसान करने के लिए पीछे पड़े हुए है। हाँ जी, तो अभी वो सत्य हुआ कि झूठ हुआ? सत्य हुआ। तो के उसको सापेक्ष सत्य बोला गया। अच्छा अच्छा, तो के किसी की भलाई के लिए ये आप झूठ बोले, लेकिन ये सापेक्ष सत्य हुआ। अच्छा, तो के जगत में जो सत्य चलते हैं वो सापेक्ष सत्य है, वो परमानेंट नहीं है। अभी चोर को चोरी करना है तो उसके लिए वही सत्य है, वो क्या बताता है, क्योंकि मेरा तो जीवन मेरे को ये बिजनेस ही चोरी करने का मिला है तो मेरे लिए तो यही सत्य है, लेकिन जगत के लिए वो सत्य नहीं है। इसलिए सत्य सापेक्ष है ऐसा बताया गया। और सत की जो बात है तो दादा भगवान ने बताया सत यानी अविनाशी। हाँ जी, जो सत है। हाँ, देखो आगे आगे ये जो सूत्र दीपक आनंद जी ने रखा, सत्य कालवर्ती है, कालवर्ती यानी काल के अनुसार है, समय के अनुसार है, सापेक्ष सत्य है और फिर विनाशी है। तो के वो विनाशी है, वो कायम का नहीं है, सबके लिए ये लागू नहीं पड़ता है। अभी यही चीज अगर उल्टा कर दे, अभी कोई चोर के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और वो कहीं छुप गया है और पुलिस आपको पूछे कि वो चोर बहुत बदमाश है, ये करके निकला है, ऐसा है, सबको नुकसान किया है, कहाँ है, आपने देखा है, तो तुरंत आप बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ, बिल्कुल बता देंगे। बराबर है, तो ये पूरी परिस्थिति बदल गई। समझे? हाँ। तो के वो सत्य है और फिर विनाशी है, तो के वो विनाशी है, वो परमानेंट नहीं है, वो जैसे समय बदलता है, संजोग बदलता है, वैसे वो बदल जाती है, सत्य की परिभाषा। जबकि सत मतलब अविनाशी, यानी जो सत है वो अविनाशी है, वो कभी चेंजेबल नहीं है, चाहे कोई भी काल हो वो अविनाशी है। और सत को आत्मा बोला गया, आत्मा को ही सत्य बोला गया। इसलिए हम सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत चित आनंद, यानी अविनाशी का जय जयकार करते हैं। ऐसा है। हाँ जी, आया बात समझ में? आई। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर, जैसे कि नरेंद्र जी,
जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मैं ये बोल रही थी कि दादा भगवान ने जो ज्ञान दिया है ये ज्ञान ऐसी भावना मेरी रहती है कि सबको मिले, इतना आनंद रहता है, इतनी समझ रहती है, ऐसा लगता है जीवन जीने का सही लक्ष्य इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। मैं जॉब भी करती हूँ, कभी मुझे लगता है कि इसके बिना जीवन कहीं अधूरा अधूरा है, तो हमेशा सबके लिए प्रार्थना निकलती है कि भगवान दादाजी ये ज्ञान सबको मिले, सबको मिले, सबको मिले, हर पल मिले, हर क्षण मिले, तो और हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं तो दादा का ये ज्ञान सबको मिल पाए। गीता जी हेलो जी। हाँ जी, हाँ तो ये भावना ही रखने की, उसमें कुछ करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सामान्य भाव से अगर सत्संग की सत्संग का कहीं गोठवणी होती है आप तो पुत्र आ सकते हैं, तो वो आयोजन कर सकते हैं अपने, लेकिन सबसे बड़ी भावना है, इसलिए नौ कलमों में नौमी कलम वही भावना ही रखी है जगत कल्याण के लिए। और ये भावना ऐसी है जगत कल्याण की कि पहला खुद का कल्याण करती है और खुद का कल्याण के साथ साथ उसके साथ जो जो भी ऋणानुबंध के आधार पर या जो 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 भी उसके साथ में सबका कल्याण होता जाता है, तो बहुत उत्तम भावना है ये। मतलब वो भावना से तो भाव से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी मतलब कोई प्रार्थना कोई ऐसा कुछ कि ऐसा लगता है कि इतना अच्छा ज्ञान है तो दुनिया बिना इतनी छांव मिली हुई है धूप, मतलब संसार में ज्ञान रूपी छांव दादाजी की मिली हुई है, तो लोग क्यों धूप में तप रहे हैं? तो उनको जब खड़ा देखते हैं इतना संसार का ऐसा देखते हैं तो लगता है कि काश इन्हें भी वो ज्ञान मिल रहा होता तो इन्हें अंदर का आनंद हुआ होता, इतने जल भुनना रहे होते। तो वो तो क्या है, सबका अलग अलग है, हम तो सिर्फ भावना रख सकते हैं। दादा भगवान आके गए तो दादा भगवान यही भावना से जिए ना, जो उनको इकट्ठा हुआ उसका कल्याण हो गया, लेकिन जो इकट्ठा नहीं हुआ तो उसके लिए दादा भगवान के अंदर जगत कल्याण की भावना थी, तो उसका आगे कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ होगा। हाँ। तो हम उसके लिए सिर्फ भावना ही रख सकते, इसलिए नौमी कलम के अंदर पूरा रख दिया ऐसा है। और वो हम कल्याण भावना भी बोलते हैं ना, जगत भर के संत पुरुष, जगत भर के सत पुरुष और प्रगट ज्ञानी पुरुष वाली जो प्रार्थना बोल भावना बोलते हैं ना, वो बोलने का। और अपने से अगर कुछ प्रयत्न साजिक होता है तो वो सत्संग रखने, सत्संग की गोठवणी का अगर आयोजन हो सके तो वो आयोजन करना, दादा भगवान की जो फंडामेंटल जो चार वाक्य वाली किताब है एडजस्ट एवरीवेयर अथड़ामन टाड़ो हुआ सो न्याय, वो सब जो है अगर वो किसी को देते हैं तो वो दे सकते है। हाँ ठीक है समझी। एक दादाजी का जो जगत निर्दोष है, हाँ जी जगत निर्दोष है, हाँ। कैसे भी करके वो बैठता अंदर में बैठता नहीं था, ज्ञान को सुना था समझा था, लेकिन जब अंदर सच में ही जब उसको एनालिसिस करके देखा हर एंगल से समझा तो लगता है कि सच में जगत निर्दोष है, फिर लगता है कि जगत निर्दोष है। जैसे हाँ वो जैसे जैसे दादा भगवान की आज्ञा दृष्टि आज्ञा समझ में आती जाएगी ना, वैसे वैसे जगत निर्दोष अपने आप परिणाम स्वरूप दिखेगा, देखने नहीं जाना पड़ेगा, परिणाम स्वरूप दिखेगा, वो समझ का परिणाम आएगा। हाँ समझ का परिणाम आएगा कि जगत निर्दोष ही है, ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आरव सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आज एक सूत्र आया था, आज जगत मा
जेने तरी पार उतरवू हशे तेने ओपन माइंड राखवू पड़शे। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं दादाजी? जिसको इस जगत से पार निकलना है उसको ओपन माइंडेड की तरह ओपन माइंड रख के जीना पड़ेगा, यानी सबका व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करते करते आगे बढ़ने का, ओपन माइंडेड। अच्छा, सबका व्यू पॉइंट छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े बूढ़े से बूढ़े वडिल व्यक्ति तक सबका व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करके चलने का, ओपन माइंड। बराबर। ओपन माइंड यानी फिर क्या होता है, क्योंकि दूसरे की गलती नहीं दिखती, उसका व्यू पॉइंट दिखता है। सही बात। जैसे जैसे दरिया है, तो के दरिया के अंदर क्या होता है, सभी नदियां सभी नदियां नाला सभी सब कुछ समावेश हो जाता है ना। ऐसे हमारा माइंड ओपन हो जाएगा तो सबका व्यू पॉइंट एक्सेप्ट होता जाएगा, ओपन माइंडेड। और जितना जितना ओपन माइंडेड हो गए उतने दूसरों की गलतियां दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ भी करेगा तो अपने को समझ में आएगा कि ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन कर रहा है, ये उसका व्यू पॉइंट है, उसके व्यू पॉइंट से वो करेक्ट है। इसलिए इसलिए दादा भगवान ने ओपन माइंडेड के लिए दूसरी बात बताई कि जगत के सभी धर्म सच्चे है, लेकिन एक एक जैसे एक एक जैसे नहीं है, सब डेवलपिंग के आधार पर खड़े हुए हैं, अपने अपने डेवलपिंग पे खड़े हुए हैं। उसी तरह सभी जीव अपने अपने व्यू पॉइंट से सच्चे है, लेकिन अपने डेवलपमेंट के डेवलपमेंट जिस जिस का जैसा है उस वहां पे खड़े हुए हैं। इसलिए दादा भगवान एक और बात बताते थे कि अभी हम पहले माले पे खड़े हैं तो कितना दिखाई देगा, जितना पहले माले पे दिखाई देता उतना ही देगा। हाँ, उसका व्याप्त कितना होगा। और वैसे वैसे चढ़ते चढ़ते पहाड़ है और पहाड़ की टोच पर चढ़ गए, टोच पर आ गए, तो फिर कैसा दिखाई देगा? पूरा दिखाई देगा जैसा है, पूरा 360 व्यू दिखाई देगा ना सर्कल में। जी, तो क्या ऐसा है, ओपन माइंडेड जैसे जैसे होते जाएंगे ना तो पूरा 360 व्यू पॉइंट से हम सब कुछ समझ में आता जाएगा हमें। सही बात। और वो जब पक्का होता जाएगा तो संसार से बाहर तर के बाहर निकल जाएंगे। सही बात। बहुत बदलाव आया है स्वामी जी, और मतलब इतनी शांति रहती है हर चीज में, दादाजी का ध्यान आके खड़ा हो जाता है कि भाई इसको ऐसे करना है, हर जगह समझ आ जाती है। इसलिए दादा भगवान ने बताया ना, ये ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है, बिल्कुल क्रियाकारी है, मतलब पूरा अप्लाई करके देखते हैं ना तो सब क्लियर हो जाता, कहीं नहीं मतलब क्लेश का कलह का कहीं काम ही नहीं रहता है। अंदर एकदम से सुख का अनुभव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रत्यक्ष मोक्ष जो कहते हैं ना वो अब जाके समझ में आने लगा कि अनुभव में आता है। और एक प्रश्न था स्वामी जी। हाँ जी। कि ये कुदरत तो प्लस माइनस करती है और हम उसमें गुणाकार और भागाकार करते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? फिर से बताइए। एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन कुदरत प्लस माइनस करती है, जोड़ और बाकी करती है, और हम उसमें गुणाकार और भागाकार करते हैं। वो कुदरत जो है उसकी बात बताई दादा भगवान ने कि कुदरत का काम क्या है, तो कि आपने जो पाप और पुण्य किए हैं उसका भुगतान करवाना। अच्छा, बराबर बराबर। कुदरत का काम क्या है, तो कि आपने जो जो पाप पुण्य किए है उसका भुगतान करवाने का। सही बात। और हमारा जो काम है वो गुणाकार और भागाकार यानी क्या है, तो कि आत्मा के प्रति गुणाकार करने का है और संसार का जो है वो भागाकार करने का है। बराबर, बहुत बढ़िया। संसार का जो है उसको भागाकार यानी क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिवाइड करना।
हाँ डिवाइड करना, डिवाइड करना, हाँ तो क्या संसार का, संसार को डिवाइड करने का, और शुद्धात्मा के पक्ष में, मोक्ष के पक्ष में मल्टीप्लिकेशन करने का। बराबर, मतलब भावों से कैसे आगे बढ़ना है? नहीं भावों से ऐसे नहीं है, जैसे जैसे अंदर संसार के प्रति अगर कोई होता है तो के पुद्गल के ही है, पुद्गल के भाग में कुछ होता है तो वहां पे उसको भागा कर कर देने का, उसको डिवाइड कर देने का, क्योंकि वो उसको मोटिवेशन नहीं देने का है पुद्गल को। अच्छा बराबर, हाँ उसको मोटिवेशन नहीं दिया वहां पे उस वो जो वहां पे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, जो वाला भाग है ना उसको डिवाइड करता रहने का उसको। अच्छा, और आत्मा के भाग में मल्टीप्लीकेशन करने का। बराबर, बहुत बढ़िया स्वामी। और जैसे अभी तो इतना संसार फैला रखा है स्वामी जी, जैसे अभी सफाइयां भी करी ना, तो इतने जगह जैसे ऐसा लगता है कि कितना फैला रखा है, अब उनको देख के घबराहट होती है, तो उनको संकुचित कैसे करें स्वामी जी? ओके, कैसा है तो मुझे करना है, ऐसी बात रहेगी तो घबराहट होगी। बराबर, लेकिन मैं जानने वाला हूँ तो घबराहट नहीं होगी। अच्छा, तो शक्ति बढ़ जाएगी कि आने दो, जो जिस जैसा भी आना है उसको आने दो। दादा भगवान हमारे साथ बैठे हैं, दादा भगवान हमारे साथ है, जिसको आना है आ जाने दो। क्योंकि देखने वाले जानने वाले आत्मा के स्वभाव में आ गए तो शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन करने वाले हो जाओगे तो डर लगेगा कि अभी तो इतना करने का बाकी है, ये बाकी है, वो डिप्रेशन वाला भाग आ गया वो, और वो जो डिप्रेशन करवा रहा है वो बुद्धि का भाग है, वो प्रज्ञा का भाग नहीं, वो प्रज्ञा का भाग नहीं है। प्रज्ञा का भाग है तो वो बोलेगा, वो ऐसा बताएगा कि जो भी जिसको भी आना है आने दो, जैसे भी संजोग आने आने दो, हम बैठे हैं चुकाने के लिए। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मतलब रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ये सबसे नई बात दादाजी के ज्ञान की लगती है। कितना भी सुन लो सत्संग, कितना भी पूछ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रोज नया कुछ ना कुछ मिल जाता है, नया डोज मिल रहा है, तो वो इतना अच्छा लगता है ना, उसको सुन के बहुत आनंद होता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया ये पूरा जीवन है वो हम जो नाटक करके आए है उसको देखने का है। रब, जैसे हम फिल्म देखने बैठते हैं तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है वो, लेकिन 3 घंटे में कितना कुछ दिखा देते हैं वो लोग। सही बात, बच्चे से लेके मर जाते वहां तक का सब कुछ बता देते हैं ना। बिल्कुल बता देते, वैसे ही हम जी रहे हैं, वही नाटक हम जी रहे हैं अभी। तो डेली डेली कुछ नया नया आएगा ना, रिपीटेशन नहीं आएगा ना। सही बात, हाँ तो सुबह होते ही सब नया आएगा। बहुत अच्छा समझ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन, स्वामी जी अभी जो गीता बहन ने बात बोली ना कि बात हमारा भाव होता है कि हमको ज्ञान मिला है दूसरों को भी मिले ऐसे, तो उसमें मेरा क्वेश्चन उठा है कि जैसे हम ज्ञान में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो हमको भी लगता है कि दूसरों के बजाय तो हमारे को तो अपने बच्चों का लगता है कि हमको तो इस उम्र में ज्ञान मिला है, अभी इनको भी मिले, हमको ऐसे भाव होते रहते हैं। और जैसा तो हमारे बच्चों को तो दादाजी ने विधि करी है, ज्ञान में भी बैठे हुए बैठे हैं, तो पर तभी भी और जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको समझाते हैं, जैसे जो हमारा बड़ा बेटा है वो तो समझता है, बोलता नहीं है कुछ, पर छोटा है ना वो बोलेगा बस 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 मॉम, यू नो ऐसे, तो वो ऐसे तो अभी हमारे को ना जैसे गीता जी को भाव आते हैं तो वैसे ही हमको आते हैं,
तो क्या करना चाहिए? तो के ऐसा है ना, तो नॉर्मली क्या है कि घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, हाँ, तो वो हमको देख के ज्यादातर हमको वो पढ़ते हैं। हाँ जी, छोटे बच्चे या जो भी है घर के अंदर, तो वो हमें पढ़ते हैं, और हमारी किताब कैसी है तो उस आधार पर वो जजमेंट लेते हैं। हाँ जी, तो क्या हमारे में वो देखते हैं कि ये दादा भगवान को मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसके अंदर अभी ये है, तो वो वहां पे वो अटक जाते हैं। तो हमारा क्या है, तो क्या हमें दादा भगवान को प्रार्थना करने की कि हम भी इतने प्योर हो जाए, कि हमारी किताब इतनी प्योर हो जाए तो कि वो पढ़ के उसको भी जानने को मिले, और उनका उनका भी उनको जो ये प्राप्त हुआ है, तो दादा भगवान आप उनके ऊपर ऐसी कृपा करो कि उसकी समझ के ऊपर जो ये बादल आए वो छट जाए, और वो भी ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। तो ऐसी हमें प्रार्थना अंदर से रखने की, समझाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर के ऋणानुबंध ऐसे होते हैं कि हम समझाने जाएंगे कभी तो वो उल्टा उल्टा हो जाता है। तो हमें प्रार्थना रखने की, और सामान्य भाव से अगर बात रख सकते तो रखना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं रखना, लेकिन अगर उनको अगर रुचता नहीं है हमारी बात, तो वहां पकड़ रखने की जरूरत नहीं है, फिर वहां पे प्रार्थना काम करेगी हमारी। हाँ जी, पर हमारा ये है ना कि हमारे बच्चे तो छोटे नहीं है, बड़े बड़े हैं, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों की, और हमारे पास में भी नहीं रहते। अच्छा, बहुत अच्छा, दूर दूर रहते हैं, एक कैलिफोर्निया रहता है, एक न्यूयॉर्क में रहता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हमारे पास में नहीं रहते, तो तभी हमको ज्यादा लगता है कि इनको ज्ञान भी मिला है, पर इनका तो जो बड़ा है वो तो सुनता है, वो तो दादाजी का, हाँ वो सुनता है, समझता भी है, फोन पे भी जब बात होती है तो, पर जो छोटा है वो तो बिल्कुल नहीं करता ऐसे। पर मैं सोचती हूँ कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये ना कि दादा की कृपा होए इसको ना, पर तभी गीता जी के क्वेश्चन पे मेरे को बच्चों का हुआ, और हमारे घर में भी है कि हमारे हस्बैंड को भी ज्ञान मिला है, पर अभी हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं यहाँ सुबह अमेरिका में, तो फिर वो तो उनको लगता है कि तुमको इतनी जल्दी सारा दिन सत्संग की क्या पड़ी रहती है, ऐसे उनके मन में होता है, बोलते नहीं है ज्यादा। पर फिर मैं जब वो होते हैं, जैसे 11:30 का सत्संग होता है, तो मैं हेडफोन्स लगा के सुन लेती हूँ काम करते वरते कभी ना, क्यों तो मेरे को तभी भी डर डर के सुनती हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो डर डर के सुनने की ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन अच्छा। ये जो हाँ ऐसा जो है ना, तो वो हमारी प्रकृति और ऐसा है, तो उनसे क्लियर बात कर लेंगे और कोई नहीं है, वो क्लेरिफिकेशन रखने का, ताकि क्या है कि ये जो डर के सुनने का ये जो भाग है ना वो चला जाएगा, क्योंकि चित की हाजिरी नहीं रहेगी यहाँ पे सत्संग में, फिर वहां पे चित हमारा वहीं पे रहेगा कि वो क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, उसके उससे तो अच्छा है क्लेरिफिकेशन कर लेने का, या तो फिर वो समय जो है सत्संग का समय ये वो, तो अगर अकेले में कोई अलग रूम में या कहीं और जाके भी हम सुन सकते हैं तो कर सकते हैं वो। हाँ नहीं, अभी वो ही कर रहे हैं ना, जैसे सुबह के यहाँ 5:30 बजे है, तो ऊपर तो बेडरूम में तो सब सो रहे होते हैं, तो हम बेसमेंट में अभी आके सत्संग सुन रहे हैं। बस वो एडजस्टमेंट हमें ले लेने का, हाँ एडजस्टमेंट हमें ले लेने का, ताकि क्या कोई डिस्टर्ब भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। हाँ जी हाँ, पर अभी गीता बहन के क्वेश्चन का ये था ना कि हमको भाव दूसरों के लिए जो होता है, वो कल्याण भावना जो बताई ना मैंने, और अपने घर के व्यक्ति के लिए, तो भगवान दादा भगवान को नाम दे के बता सकते हैं कि आप उनको शक्ति दे, समझ दे। अच्छा। ऐसे हम भावना कर सकते, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं दादा भगवान को। लेकिन ज्यादातर घर के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है ना घर के अंदर, उसके आधार पर उनका अभिप्राय हमारे प्रति हो जाता है कि इतने सालों से दादा भगवान का ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी भी उनका ये ऐसा ही चलता है, उसके आधार पर उनको जो अभिप्राय पड़ गया है ना, उसके आधार पर होता है। समझ में आया? वो हमारा सही हो जाएगा तो उसका भी सही हो जाएगा, लेकिन हमें ये फिर भी ये प्रार्थना रखने की, अपना
सही जब हो तब हो, लेकिन हमारे आधार पर उनका बिगड़ना नहीं चाहिए, तो हमें प्रार्थना रखने की। हाँ जी, नहीं फर्क तो पड़ रहा है, मैं देखती हूँ उनके भी, वो समझते हैं अभी, यू नो वो बीज पड़ा है ना तो वो काम करने ही वाला है। हाँ जी, वो बीज पड़ा है ना तो वो काम करने ही वाला है। लेकिन समय कभी थोड़ा बहुत समय जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ, सुबह प्रार्थना करते रहना कि राम दादा भगवान से। हाँ, दादा भगवान को प्रार्थना करते रहना। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं, आप फॉलो करिएगा। ओके, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावक पनासनो, सव पाव पनासनो, मंगलानम च संवेसिम, मंगलानम च संवेसिम, पद्मम हवै मंगलम, पद्मम हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।